हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर बताया था कि निफ्टी में पॉसिबल है थोड़ा पॉजिटिव बायस में देखने को मिल सकता है, थोड़ा गैप अप ओपनिंग भी हमें देखने को मिल सकता है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिप जो आता है वो बाइंग के लिए यूज करना है। 9750 9780 के लेवल्स भी मैंने आपको बताया था, अगर ये लेवल्स के अराउंड कुछ भी डिप आता है तो आपको बाय करना ज्यादा फेवरेबल रहेगा। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हो, उसमें लेवल्स भी मैंने क्लियरली बताया 9750 9780। अब कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो डिस्कस करते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और मैंने दो ट्रेंड लाइन बनाया है। एक ये जो ट्रेंड लाइन था ये पहले से बना हुआ है, आज निफ्टी ने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और नीचे का जो ट्रेंड लाइन है वहां पर उसने सपोर्ट लिया और वापस पूरा का पूरा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर बात करें तो ये अगेन अ पॉजिटिव क्लोजिंग है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग है। और अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, अभी भी ये रेजिस्टेंस जो था इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है। तो ओवरऑल जो सेटअप है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव ही है। 10,000 के ऊपर अगर गए तो वापस इसमें बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और 10,200 10,300 पोजिशनल टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से निफ्टी बायो डिप्स रहेगा 10,300 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें मैंने एक सिंपल ट्रायंगल बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा सेटअप है और बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो 21,000 22,000 ये लेवल के अराउंड काफी अच्छे पोजिशनल टारगेट्स आते हैं। सो बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा बाय रहेगा, बट आपको जो भी ट्रेड लेना है वो कम क्वांटिटी में ट्रेड लेना है क्योंकि कल एक बहुत बड़ा इवेंट है, कल वापस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। क्वांटिटी कम रखना लेकिन लेवल्स प्रॉपर फॉलो करना। बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स है, कोई भी डिप मिलता है बाय करना है एंड पोजिशनल टारगेट्स होंगे 21,000 21,500 एंड 22,000, ये लेवल्स के अराउंड आपके टारगेट्स हो सकते। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ONGC बाय दिया था, ये लेवल ट्रिगर नहीं हुआ। मैंने आपको HCL टेक्नोलॉजी बाय दिया था, HCL टेक्नोलॉजी अगर आप देखें 593 तक हाई जाके आया है, 585 के ऊपर मैंने बाय दिया था। 7-8 रुपए इंट्राडे ट्रेडर के लिए इनफ होता है, तो इसमें एक 8-7-8 रुपए का आपको हमें देखने को मिला। 585 के ऊपर मैंने बाई दिया था, 593 तक जाके आए ये। फूड मैंने सेल दिया था 1690 के नीचे और ये 1665 तक जाके आया, तो इसमें काफी अच्छा 20-30 रुपए का मोमेंटम हमें मिला। सो इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये भी काफी अच्छा ट्रेड था, जुबिलेंट फूड एंड HCL टेक्नोलॉजी। रिलायंस मैंने आपको बाय दिया था 1626 के ऊपर, लेकिन ये ओपन ही गैप अप हुआ 1648। तो इसमें जो ऑलरेडी ओपनिंग टिक था उसमें ही हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो इसमें भी हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो आज के दिन में हम लोगों ने ट्रेड लिया HCL टेक एंड जुबिलेंट फूड, ये दोनों में हम लोगों ने इंट्राडे में एक अच्छा पैसा बनाया। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स, अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय दिया था एक दो दिन के पहले वीडियोज में और मैंने आपको बोला भी था कि इसमें 1250 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। आज अगर आप देखो इसमें 1208 तक के लेवल हमें देखने को मिले और मैंने आपको ये कैंडल में बाई दिया था, ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें ही बाई बाई दे दिया था। तो अराउंड 1150 के आसपास मैंने बाई दिया था, ये आप वीडियो जाके देख सकते हो, वो पोजिशनल ट्रेड भी था। मैंने आपको बोला भी था कि पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं इसमें और इसमें अभी भी मेरा लॉन्ग इंटैक्ट है और 1250 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। कल के सेशन के लिए आपको HDFC बैंक स्टॉक पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप देखो सेटअप काफी अच्छा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है, हैमर फॉर्मेशन है और ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली काफी अच्छा पॉजिटिव अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो HDFC बैंक काफी अच्छा बाय रहेगा कल के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। और नेक्स्ट स्टॉक होगा मुथूट फाइनेंस, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टॉक है और 52 वीक हाई के आसपास ही है। मुझे लगता है ये स्टॉक में करीबन 1200-1300 तक के लेवल्स भी जल्दी देखने को मिल सकते हैं और 1000 के ऊपर इसमें बहुत बड़ा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये काफी अच्छा बाय रहेगा, पोजिशनली भी ये काफी अच्छा बाय रहेगा और इंट्राडे के लिए भी काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा हैवेल्स, हैवेल्स भी ऑलमोस्ट अगर आप देखें ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अगर ये क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेटली इसमें 7-8 रुपए का आपको हमें देखने को मिल सकता है। हैवेल्स इंट्राडे के लिए काफी अच्छा ट्रेड रहेगा कल के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। Thanks a lot for watching the video. See you in the next video.